फ्रेंड्स, इस लाइट की ब्राइटनेस का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए फुल नाइट के अंदर भी इसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा दिख। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड। फ्रेंड्स, ये काफी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए फ्रेंड्स इसका प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका यूज करके बहुत ही कमाल की इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं और जिसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा होगी, आपने वीडियो के शुरुआत में देखा भी होगा। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट लगेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक स्विच चाहिए होगा, SPST स्विच मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ऑन ऑफ करने के लिए हमारे लाइट को। तो एक तो फ्रेंड्स हमें ये चाहिए होगा, एंड फ्रेंड्स जो इसके अंदर हम बैटरी लगाने वाले हैं उसको चार्ज करने के लिए माइक्रो USB सॉकेट चाहिए होगा, देखिए कुछ इस टाइप का। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस लाइट के अंदर मैं एक ऐसे कंपोनेंट का यूज करने वाला हूँ जिससे फ्रेंड्स आपकी इमरजेंसी लाइट का बैटरी बैकअप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक जरूर से देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों के लिए यहाँ पर जल्दी से ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ग्रुप कटिंग कर लिया हमारे स्विच के लिए और माइक्रो USB सॉकेट के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं इनको जल्दी से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब फिर फ्रेंड्स हम आगे का प्रोसेस हमारे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा स्विच है, तो इसे मैं यहाँ पर जल्दी से लगा देता हूँ, एंड फ्रेंड्स जो हमारा माइक्रो USB सॉकेट है उसे मैं यहाँ पर जल्दी से लगा दूंगा। तो देखिए हमारा ऑन ऑफ स्विच एकदम बड़े तरीके से लग गया, एंड फ्रेंड्स ये माइक्रो USB सॉकेट है। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने दो वायर कनेक्शन कर लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आगे इसमें वायर करने में सोल्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने पहले दो वायर कनेक्शन कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे यहाँ पर जल्दी से सेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, ये आसानी से सेट हो जाएगा। फ्रेंड, इसके साथ फ्रेंड्स इसकी डिलीवरी भी आती है, अगर आपको वो मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, वरना फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है मेरे वाले केस में, तो ये वैसे बाहर नहीं निकलेगा। बाकी मैं ग्लूगन भी लगा दूंगा फ्रेंड्स इसमें। अब चलिए फ्रेंड्स, हमारा आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें यहाँ पर फ्रेंड्स एक लाइट की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट की लाइट यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, वो दोस्तों आगे आपको दिखाऊंगा। और एक 18650 लैपटॉप की बैटरी जो कि 2000 mAh की है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट और चाहिए होगा, तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी बैटरी को सेफ तरीके से चार्ज करने के लिए हम चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, इसका देखेंगे आप यहाँ पर जैक हट चुका है, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ताकि फ्रेंड्स ये हमारे डायरेक्ट इस काम भी आ जाए और ये वेस्ट भी ना जाए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना था तो मैं इसका यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, बाकी आप नया भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इनका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो हमारे चार्जिंग मॉड्यूल है इसके अंदर फ्रेंड 5 वोल्ट इनपुट देने के लिए, क्योंकि इसका जैक तो टूट गया, पर फ्रेंड्स इसमें जो हमारा माइक्रो USB सॉकेट हमने लगाया है इसके पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्शन कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सारे कनेक्शन आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आप देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी माइक्रो USB सॉकेट है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हमने चार्जिंग मॉड्यूल को डायरेक्ट 5 वोल्ट इनपुट में कनेक्शन कर दिया, देखिए जहाँ पर हमारा जैक लगा हुआ होता है। तो मेरे में जैक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स, हमारी बैटरी को इसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं, तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। अब फ्रेंड देखिए, इसमें कनेक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। फ्रेंड देख, हमारा जो लाइट है ये स्विच से होते हुए, हमारे जो पॉजिटिव वायर है वो तो डायरेक्ट स्विच से होते हुए चला जाएगा और नेगेटिव वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं लाइट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे सेट करने वाला हूँ, तो वो फ्रेंड्स हम आगे सेट कर देंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे वायरों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर हैं, तो पॉजिटिव तो हमारे स्विच से होते हुए चला जाएगा और जो नेगेटिव है वो हमारे बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे कनेक्शन आपको एकदम करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो कनेक्शन है काफ़ी सिंपल, तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे पॉजिटिव वायर जो लाइट का वो हमने बीच में से कट कर दिया और जो नेगेटिव है वो हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, देखिए हमारा नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा स्विच लग जाएगा और हमारी लाइट एकदम बड़े तरीके से वर्क करने लग जाएगी। पर फ्रेंड्स, जिस कंपोनेंट का मैंने जिक्र किया था उसे मैं लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2.2 ओम की 1 वाट में रेजिस्टेंस चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक बार आपको कनेक्शन बता देता हूँ। तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है फ्रेंड, जो हमारा स्विच है वो जो जहाँ पर हम लाइट का कनेक्शन करने वाले थे वहाँ पर डायरेक्ट ना करके बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर उसका कनेक्शन कर देंगे, काफी सिंपल है। अब फ्रेंड्स बताता हूँ इससे फायदा क्या होगा। फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस होती है ये फ्रेंड्स हमारे करंट के फ्लो को कम कर देती है इससे फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी कम है, जिससे फ्रेंड्स हमारे लाइट की ब्राइटनेस पर तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर फ्रेंड्स क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे फ्रेंड्स हमारा जो बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये ना मिले तो आप लास्ट 5 ओम तक की कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 1 वाट या 1/2 वाट में। फ्रेंड्स, 1/4 वाट में यूज मत करना, क्योंकि अगर ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगी तो रेजिस्टेंस जल जाएगी, तो आप यहाँ पर 1/2 वाट या 1 वाट की रेजिस्टेंस यूज करना। फ्रेंड्स, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाने से हमारी लाइट कोई भी हीटिंग का इशू नहीं दिखाएगी।
तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मेरे सारे कनेक्शन एकदम बड़े तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं और सारी जगहों पर ग्लूगन भी लगा दिए ताकि फ्रेंड्स ये कनेक्शन हिले डुले ना और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो यहाँ पर माइक्रो एसवी सॉकेट है इसके कनेक्शन डायरेक्ट हमने चार्जिंग मॉड्यूल में कर दिया और हमारी ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो चुका है और लाइट के वायर को फ्रेंड्स हमने रेजिस्टेंस के थ्रू एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा सर्किट बनाया है, बस हमने बीच में एक रेजिस्टेंस को कनेक्शन कर दिया है। तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स। जो जो आप चार्जिंग मॉड्यूल को देखेंगे तो इसकी जो रेड और ब्लू कलर की LED होती है उसको मैंने यहाँ पर लगाया है। अब फ्रेंड्स ये क्यों लगाया है वो दोस्तों आप वीडियो में देखते रहिए, आपको सब कुछ एकदम बड़े तरीके से समझ आ जाएगा। ये फ्रेंड्स मैंने इस वजह से यहाँ पर लगाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी एक हम कैप लगाने वाले हैं। तो देखिए LED लाइट होती है हमारी, उसका कैप है, तो इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फ्रेंड्स ये आँखों पर भी नहीं चुभेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ग्लूगन के हेल्प से इसे जल्दी से यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारी इमरजेंसी लाइट एकदम बनकर बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है और देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है हमारी लाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको चार्ज लगाकर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने चार्जिंग मॉड्यूल की दोनों LED को यहाँ पर रिसेट क्यों किया था, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हम इसे चार्ज लगाएंगे तो हमारा इंडिकेटर की तरह यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चार्जिंग की केबल लेके आता हूँ एक बार जल्दी से। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे कनेक्शन करता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लू कलर की LED ग्लो हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, मैं लाइट ऑफ करता हूँ एक बार। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगी। तो हमें कोई अलग से फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पर होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंडिकेटर भी काफ़ी बढ़िया होगा। अभी फ्रेंड्स हमारी बैटरी फुल चार्ज है तो एकदम ब्लू ही दिखा रहा है, बट फ्रेंड्स जैसे ये डिस होगी तो यहाँ पर हमारी रेड कलर की LED ग्लो करने लग जाएगी। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी ब्राइटनेस आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ब्राइटनेस किस तरीके ये दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा करता हूँ, फिर आपको ब्राइटनेस का इसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे चलिए ऑन करता हूँ कि हमारी लाइट कितनी बड़ी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। तो मैंने अपनी लाइट ऑफ कर दी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। फ्रेंड्स आपको कैमरे में थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी, बाकी फ्रेंड्स इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हमें काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी इमरजेंसी लाइट वर्क कर रही है। अब फ्रेंड्स इसकी और टेस्टिंग करने के लिए चलिए फ्रेंड्स हम आउटडोर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स रात होने का इंतजार करते हैं, फिर इसे रात में बाहर निकल चलेंगे और फिर दोस्तों इसका ब्राइटनेस का टेस्ट करेंगे। 3:28 AM तो फ्रेंड नाइट हो चुकी है। अब चलिए मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, आप इसकी ब्राइटनेस का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं। एकदम फुल नाइट हो रही है, पीछे आप देख लीजिए एकदम फुल नाइट हो रही है और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस देखिए फ्रेंड्स, एक एक पौधे का एक एक पत्ता एकदम बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख लीजिए इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, कैमरे में आपको थोड़ी कम लग रही होगी पर फ्रेंड्स इसकी ब्राइटनेस वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए मैं एक बार लाइट ऑफ करता हूँ, फिर दोबारा इसे ऑन करता हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको एकदम बड़े तरीके से पता लग जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। हमारे ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।